हरियाणा जल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कोथी राम राम। साथियों खटखट टोला फिलहाल खड़े हैं और कल 25 सितंबर चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है किसानों के द्वारा भी और इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जींद में कल है चौधरी देवीलाल की जयंती मना रहे हैं और दुष्यंत चौटाला भी जयंती मना रहे हैं। तो ये तीन जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ अंतर रहेगा, किस तरह से किसान मनाएंगे और किस तरह से ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला जी मनाएंगे और किस तरह से दुष्यंत चौटाला जी मना रहे हैं, तो उसी को लेकर चर्चा करांगे क्योंकि उसी पर फोकस है जो आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं है और किसी भी पार्टी का नेता को आंदोलन में बोलने की इजाज़त किसान नहीं दे रहे हैं। माइक पर सिर्फ आम आदमी किसान और मजदूर ही बोलता है। तो खटखट टोल चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना रहा, उसी को लेकर किसानों से बात करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम प्रधान जी, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की आप जयंती मना रहे हो, तो आप किस तरीके जयंती मना रहे हो? भाई खटखट टोल पर तो जो महान विभूति थी देश की, अंबेडकर का, वाल्मीकि का, भगत सिंह का, छोटूराम का, सभी का मनाया है यहाँ, उसी तरीके से ये मनाएंगे। देवीलाल भी एक महान विभूति थी, लोगों के लिए काम करें उसने, सामाजिक काम, पार्टी का कोई मतलब नहीं इसमें। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसको मानते हैं भाई ये बढ़िया आदमी था, काम करे हैं इसने लोगों के लिए, छत्तीस जात के लिए काम करे हैं। उसी तरीके से जैसे वाल्मीकि की, अंबेडकर की, इनकी सबकी मनाई, इसी तरह से इसकी मनाएंगे। तो आप किस नज़र से देखो देवीलाल? देवीलाल नाम है तो वो बहुत बढ़िया महान व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, महान व्यक्ति के नज़र से देखा देश के लिए, जिसको उपाधि मिल गई नहीं ताऊ की, छोटी चीज़ नहीं होता वो, चाचा ताऊ इनकी महात्मा गांधी बापू की का तीनों ने मिली है। और जींद के अंदर इनेलो वाले भी प्रोग्राम कर रहे हैं जो देवीलाल की जयंती मना रहे हैं, तो आप उसमें सहयोग करोगे या अलग से मनाओगे? हम नहीं करते सहयोग उसमें, ना हमें किसी ने कंधे सहयोग करना है, हमें तो टोल पर बुलाओगे, जिसने आना हो आओ, जिस जो नहीं आओगे तो हमारा के बस की बात है, लेकिन हमारा पार्टियां की तरफ कोई रुझान नहीं है, ये तो सामाजिक है ये धरना, न कि राजनीतिक। अभय चौटाला ने जो किसान आंदोलन चल रहा है इसी को देखते हुए इस्तीफा दिया, किसानों के बीच में आए थे, किसानों के लिए त्याग दिया, तो क्या किसान समर्थन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, देखो इस्तीफा दिया उसने मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने उसका आदर भी कराया है, जहाँ गया है आदर भी कराया है, लेकिन राजनीतिक हो गया ना, राजनीतिक के उसने अपना आप दिया इस्तीफा, किसानों ने तो नहीं कहा था, उसने कहा भाई मैं किसानों के पक्ष में इस्तीफा दूंगा पुरानी तारीख में, उसने दे दिया, लोग उसका आदर करें इस बात है, लेकिन राजनीतिक मंच पर तो लोग किसान नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक मंच है, पार्टी है उनकी, सर्वप्रिय है पार्टी के, वो आगे इलेक्शन आने लग रहा है, उनका गले में फूट रही, दुष्यंत अलग मना रहा है, वो अलग मना रहा है, देश ने कैसे संभालेंगे जो घर नहीं संभाल सकते, दादा तो इक्के था उनका, इकट्ठे मना लो ना। वह ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ आए थे, उनको माइक पर बोलने दिया था और आज उनके पिताजी की जयंती मनाई जा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनके पिता को तो माइक भी दे रहे बोलने के लिए और उसके पिताजी की आज यहाँ जयंती मना रहे हैं। मैंने आपसे बताया ये खटखट टोल प्लाजा का नियम है, कमेटी का, जो भी यहाँ कमेटी है, जो लोग हैं, जितने लोग बैठे, सबका फैसला है भाई किसी को माइक नहीं दिया जाएगा, आज से नहीं शुरू से है। रहेगी मनाने की बात, भाई देवीलाल का जन्मदिन क्यों मना रहे हैं, जयंती क्यों मना रहे हैं, देवीलाल महान व्यक्ति थे, आदर्श थे देश के लिए, ताऊ की उपाधि मिली हुई थी, इस वेश पे उसकी महानता के कारण मना रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक के कारण। अगर कोई राजनीतिक आदमी विधायक या सांसद इस्तीफा दे के आता तो उसका मान सम्मान आप करते हो? कोई आओ जो भी इस्तीफा दे के आओगा, माइक किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे इस्तीफा दे रहा हो कौन सी पार्टी का हो, नीचे बैठने की जगह है, पब्लिक में बैठो, वहाँ बैठ कर अपनी बात सुनो, और माइक नहीं दिया जाएगा, खटखट टोल पे तो दिया नहीं जाएगा, ये फैसला खटखट टोल का, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा भी देंदा हो लेकिन खटखट टोल नहीं दे सकता, ये फैसला कर रहा है यहाँ। उसी के परिवार से दुष्यंत चौटाला जी, उनको आप किस नजरिया देखो, जो वो भी आज कल रेवाड़ी में जो जन्मदिन है वो मनाएंगे? वो उनका काम है देखना, तो क्या पब्लिक ने देख लिया, लोगों के वोट लिए थे उसने, लेकिन खरा नहीं उतरा, इसको कहता जमुना पार पहुँचा दूंगा, यूएस की गोदी में जा बैठा, तो फिर इसके बारे में के नज़रिया बताऊंगा उस आदमी का, जो आदमी जबान पर टिकता नहीं हो गया भी, कहता सीट दे दी लोगों ने, आगे देखो क्या होगा, आगे लोग बताएंगे भी, तो उसको उसका नज़रिए भी लोग बताएंगे, लेकिन मैं उसको नहीं कहूँ, उसने बहुत बड़ी भूल करी है, अगर वो इसका समर्थन नहीं करता नहीं सरकार बन दिए नहीं, सरकार टूट जाती दोबारा इलेक्शन होता फिर की मैं बात होती। आप चौधरी देवीलाल को आदर्श मानते हो, तो दुष्यंत चौटाला उसी के परिवार से हैं, तो उनको आप किस नज़र देखे, तो क्या मानते हो आप दुष्यंत चौटाला? देवीलाल ने कितने दिन राजनीति करी, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया,
कभी को कांड, कभी को किसान के विरोध में या किसी और जात के भी मान जितने भी हैं नहीं, जितने समाज में व्यक्ति हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करा उसने, ना कड़िया प्रदर्शन हुआ उसका उसके उस समय में, लेकिन उसने कदे भी किसी का नहीं करा। इनका मैं तो कंडाला कांड इनकी करा था, इनकी क्या नज़रिया, इनका नज़रिया है नहीं सुनने हमारे लिए, तो मतलब जो देवीलाल थे उसके बराबर इनका विकास कार्य कुछ भी नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते उसका, किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। जो उसकी बातें थी ना उनके ऊपर चले ही हैं, ना ये चल सकते, आगे भी नहीं चल सकते। ये राज के भूखे हैं, लालसा है राज की, ना राज था जो बस इतना बतेरा इन्हें तो, और कुछ नहीं। पब्लिक जाओ बाढ़ में, और 27 तारीख का संपूर्ण भारत बंद है, तो आप जो जींद का एरिया तो कहाँ क्या क्या कहाँ कहाँ पर आप बंद करने का? पहली बात तो सारा हिंदुस्तान बंद होगा, सब जगह अपने अपने जहाँ टोल लगे हैं, टोल भी टोल पे धरना तो चलेगा ऐसे ही, धरने कमेटी बना दी गई है, धरने पे खटखट टोल पे 5 नौजवान 2 बुजुर्ग वो परली साइड में खड़े होंगे, ट्रैक्टर डा दिए जाएंगे। वो जो बता रखा प्रधान जी ने भी बताया था कल, जो जो चीज़ निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ धरना ऐसे ही भजन होंगे, ऐसे ही लोग बैठेंगे, ऐसे ही भाषण होगा, वहाँ कोई नहीं जाएगा, बस ऐसे अड़ाएंगे। शहरों की बात है, शहर के व्यापारी कर्मचारी संगठन जितने भी हैं छोटे बड़े मजदूर किसान, उनने साथ दे रखा कह रखा, यहाँ जींद में 14 संगठन हैं, 14 के 14 संगठनों ने कल समर्थन कराया, अपने खटखट टोल से भी जा रहे थे, भाई हमें आपके साथ हैं, अपने आप लोग बंद कर, दुखी हैं लोग, है दुखी हैं लोग, छोटा वर्ग मजदूर किसान सारे दुखी हैं, ये उन्हीं में किसान किसान दुखी है। और ASI का पेपर भी है 26 तारीख का, तो 27 को बच्चों को परेशानी ना होगी आने जाने में? वो खुल है, बच्चे जहाँ जाएंगे, वो जो बस लगेगी ना, अगर बस लगाती गवर्नमेंट है तो बच्चों के लिए तो फ्री है, जाओ कोई नहीं, बच्चों के लिए किसी की विदेश की टिकट बन रही उसके लिए, जैसे प्रेग्नेंट है कोई, डिलीवरी है केस है या कोई भी, जैसे सबके लगी है, इमरजेंसी सभी निकले खुले हैं, मोटरसाइकिल भी खुले हैं, मोटरसाइकिल नहीं लोकल, जहाँ धरना लग रहा है उनके खेत में जाना है या कहीं मंडी में जाना, बीमार हो रहा है बुजुर्ग के लिए, सबके लिए खुला है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। पेपर के लिए जो भी सुविधा लेकर जाएगा बच्चा, उनको पता है मैं पेपर देगा हूँ, जाओ भाई, उनकी कोई रोक नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, खटखट टोल पर फिलहाल मौजूद थे, और जो कल है 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जो जन्मदिन मनाया जाएगा उसी को लेकर किसानों ने चर्चा किया है। तो साथियों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।